ग्राम नरवा के लुधियानापुरा में भगवान दास कुशवाहा अपने परिवार के साथ रोज की तरह अपने घर में चैन की नींद सो रहा था कि अचानक देर रात्रि लगभग 3:30 बजे उसके पुत्र राजेश उर्फ मोहन उम्र लगभग 12 वर्ष की चीखने की आवाज आई तो उसने पूछा कि क्या हुआ। उसके बेटे ने कहा कि पापा किसी ने पैर में काट लिया है। तत्काल उसने आजू बाजू में देखा तो उसे काला सर्प दिखा और सर्प वहां से सार की तरफ फुर्र हो गया। घबराए पिता भगवान दास ने अपने परिजनों की मदद से अपने पुत्र को बगाज माता मंदिर ले गया, लेकिन बालक राजेश की हालत में शीघ्र सुधार न होने के कारण तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगढ़ लाया, जहां पर ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर पीएम के लिए भेजा। उक्त घटना से भगवान दास के परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया। कल भगवान दास पिता अच्छीलाल कुशवाहा उम्र 36 साल निवासी लुधियानापुरा नरवा द्वारा थाना पर रिपोर्ट किया गया था कि यार उसी रात में जो है उसके लड़का मोहन उर्फ राकेश उम्र 12 साल को सर्प ने काट लिया है। इसे इलाज के लिए CSC साहेगढ़ लाए थे जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 12/23 कायम कर जांच में लिया गया है। बाद जांच जैसी सूरत होगी कार्रवाई।